ड्राइवर की शॉर्ट वो कर लेना बाइक बस ड्राइवर की है थोड़ा बचा दे जैन सर कहाँ है अभी गिरा जी अभी या पहले नहीं ठीक है सर अभी हाँ जी हाँ जी नहीं महामारी नहीं सर अभी एसपी आ रहे हैं जी इधर को ना उनके साथ चलो आपको सब कुछ बता देंगे और वहाँ बता के जान को खतरा ठीक है ना तो गिरने वाला पुलिस खड़ी आप लोकल नहीं है जी मैं पुलिस के बच्चे हूँ एक महीने से कनेक्टिंग है अच्छा किसी रीजन से या एज ए पहल में रहते हैं अच्छा आपका पंचकूला से बढ़िया सर आप टेक केयर सर हाँ जी सर हैं क्या
सीमा जिला में रूट की क्या स्थिति है? हम सीमा शहर में देख रहे हैं ट्रीज अप्रूट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है। हाँ, एक्चुअली जो अभी कैपिटल में जो हमारा शिमला शहर है इसका जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो हमने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके रखा हुआ है, ट्रैफिक चल रहा है। और जहां पे भी किसी प्रकार की जो चुनौती सामने आ रही है उसको मिटिगेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और ओवरऑल शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये सही है कि बहुत सारी जगह पे रोड्स जो है लिंक रोड्स हैं वो भी ब्लॉक हुए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इतना पानी आसमान से बरस रहा है जिसके चलते कई जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा मिटिगेशन प्लान है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो हमारे एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स जो हैं अभी उसमें हम सिचुएशन को हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है और किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल गई हो। वी आर वेल प्रिपेयर्ड और इस प्रकार की जो परिस्थिति है उसको निपटने के लिए जो हमने तैयारियां करके रखी थी उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जितने कैपिटल की तरफ जितने भी नेशनल हाईवेज जो आ रहे हैं वो सारे के सारे खुले हैं। बहुत सारे जो बीच में ब्लॉक हुए थे उनको आवर टू आवर्स एज पर द मैग्नीट्यूड जितना ट्रैफिक का है और जितना वॉल्यूम ट्रैफिक का है वो अभी कम हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना टाइम लग रहा है। बट द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हम कर रहे हैं कि सभी रोड्स को कंटिन्यूटी में बना के रखा हुआ है और ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम अभी है नहीं। कुछ पार्ट्स में है, जैसे नेरवा चिड़गांव जो मॉर्निंग में प्रॉब्लम थी वो अभी जो है वो प्रॉब्लम रिमूव हो गई है और ट्रैफिक सब जगह चल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली जो कोटखाई का रोडू वाला जो रोड था वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुआ था, एक दो घंटे के लिए। अब जो उसका वैकल्पिक व्यवस्था है, ऑल्टरनेटिव रूट है, उसको चला दिया गया है और ट्रैफिक वहां पे चल रहा है। सर, आईएमडी ने रेड अलर्ट फिर से जारी किया है फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट जिसमें शिमला भी इंक्लूडेड है। किस तरह की फोर्स डिप्लॉयमेंट है? बिकॉज यू कैन सी शिमला शहर में खासकर फ्री अपरूटिंग हो रही है, इन जगहों पर भी आई कैन सी मूवमेंट। आपने देखा है कि पिछले कल से ट्री जो अपरूटिंग के इंसिडेंट्स हुए काफी हुए, लैंडस्लाइड्स भी काफी हुए। हमारा मिटिगेशन प्लान, रेस्क्यू प्लान इफेक्टिवली चल रहा है। बहुत से लोगों की हमने जाने बचाई हैं, जिसमें 35 से 40 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, कई लोगों को जिंदा जो है निकाला है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारी उन सभी परिवारों के लिए संवेदना है जिनके साथ जो है इस तरह की ट्रेजडी हो रही है। लेकिन साथ साथ में हम ये भी अश्योर करवाते हैं कि जो हमारा रेस्क्यू टीम्स हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं और पुलिस की टीम्स हैं और बाकी होमगार्ड्स हैं, फायर डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सभी के सभी लोग मिलजुल के कार्य कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम जो मिटिगेशन है और जो जिसको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम समय में रिमूव करें। एंड वी आर ऑन हाई अलर्ट, वॉर फुटिंग पे हैं। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक डिटेल्ड मीटिंग हम लोगों की ली है और उसमें जो है पूरे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के साथ सभी को काम करने के निर्देश दिए हैं। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम धालीवाल है जी। धालीवाल जी, किस तरह की स्थिति है? भारी बारिश से हमने देखा ट्रीज अप्रूट हो रहे हैं, किस तरह का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और क्या अभी भी फियर की स्थिति है? काफी डैमेज हुआ है जी। सुबह 5 बजे पेड़ गिरा हमारे होटल के ऊपर और ये दूसरी साइड से आया है फ्रॉम दी अदर प्रॉपर्टी जो विच वी फील इज इंटेंशनली, क्योंकि 1.5 साल से हम इनके पीछे पड़े थे भी आप डंगा डुंगा लगा लो, बट नथिंग हैज बीन डन। सो 2 green trees, वन हैज फॉलन, वन इज रेडी टू फॉल, आप देख सकते हैं, यू कैन फोकस योर कैमरा देयर। द एसपी साहब वाज ऑन द स्पॉट एंड ही हैज अशोर्ड अस दैट प्रॉपर केयर विल बी टेकन। आर यू इन अ स्टेट ऑफ फियर विद दिस पीपल? आई हैव गेस्ट स्टेइंग इन माय होटल जी एंड देयर इज कांस्टेंट फियर। आई हैव बीन स्टैंडिंग ऑन माय फीट सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। What name and nation you're coming from? Hi, my name's Pam and I'm from New Zealand. Can you share your experience coming here in this hill state of Himachal Pradesh? It has been raining for the last 48 hours in the region. Yes, we came up not yesterday, the day before, and we're on a motorbike tour and we were meant to leave today, but the road is closed, so we're staying at this beautiful Woodville Palace Hotel. So we're very comfortable and I feel for all the people who suffered from, you know, who are caught up. Near here. Yes, near. Root up, tree uprooted. Yes. Went on a hotel. That's right, yes. Are you still scared? No, not scared at all.
So you have rescheduled your program? Yes, we have. We'll see what happens tomorrow with the roads, with the rain. And, the Indian Weather Department has forecasted more rains in the region. Right. So how would you plan for it? I'm not sure. It depends on our guide. Yes, we have someone in charge of our group. So we'll see what happens tomorrow. Thank you. करेंगे, देखेंगे देखेंगे, कोई यहाँ पे है नहीं, सब आप अपने घर पे चले गए सब। और क्या है, यहाँ पे कोई मरीज की कोई दूसरी जगह को शिफ्ट किया नहीं अभी तक। वो बोल के जा रहे हैं क्या करेंगे 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 करेंगे, आएगा कोई आएगा, कोई आता नहीं है, नहीं यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। बहुत परेशान हो रहे हैं सब। अभी उधर से अंदर से ला के ये बेड को खींच के इधर 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 से बेड खींच के और अंदर से ला के इनको यहाँ पे दोनों शिफ्ट किया है। हाँ, ये पंखे पंखे की सुविधा नहीं है, सब गर्मी हो रही है, इनका सिकाव चल रहा है, सेक चल रहा है। फारूक चूरू। सर ये तो मौसमी वातावरण जो अभी जब बरसात का मौसम है पानी तो आएगा ना, चैम्बर्स ब्लॉक हो जाएंगे मान लो तो भर के तो वापस कहीं ना कहीं निकास में पानी आएगा ना। लेकिन फिर यहाँ पर बारिश का मौसम आप लोगों को पता है, इसके बावजूद यहाँ पर मरीज तो रिस्क है ना। नहीं नहीं सर, देखो मरीज तो जैसे बेसमेंट में तो देखो कहीं पे भी जाओगे आप, बेसमेंट में जब आप जैसे मेरे नीचे बेसमेंट में जाओगे तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है, दीवारों में से पानी आ रहा है, तो पुरानी बिल्डिंग हो गई, कितने साल पुरानी बिल्डिंग है तो पानी तो आएगा ना सर। ये तो चीज़ है। नाम बताया? हीरालाल नाम मेरा। क्या आप यहाँ? मैं यहाँ पे हाउसकीपिंग में सुपरवाइजर।
हमारा पेशेंट यहाँ एडमिट था, तब बारिश होने के कारण इसमें पानी आ गया, तो हमारे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। डॉक्टर ने 10 बार बोल लिया तो कहते हैं हम का अपने घर से बेड दें, हमारे पास कोई बेड नहीं है, कहीं भी लेटो कहीं मत लेटो। हम परेशान हैं साहब, इस बात से हमारी कुछ सुविधा होनी चाहिए। नाम आपका? नाम जी मेरा शमसुद्दीन है। आप यहाँ पर किसको एडमिट कराने आए थे और क्या व्यवस्था आपकी है? ये मेरे पापा जी है और यहाँ पर मतलब बहुत ख़राब व्यवस्था, जैसे कि अभी इसमें पानी भरा है। मैं तो आज आया था, पहले मेरे फूफा जी थे तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर पानी भरा है इसके अंदर, और यहाँ पर कोई लेटने की सुविधा नहीं है इनके लिए, मतलब दिक्कत आ रही है ज़्यादा ही, परेशानी नहीं किया गया अभी तक, और मतलब बाहर दिक्कत आ रही है ज़्यादा ही, अब बाहर लेटना पड़ रहा है, बाहर इतनी देर के कुर्सी बैठे सुबह से, अभी शाम को होने वाली है। में अभी तक आपको बेड नहीं मिला? नहीं, दूसरे बार में अभी तक कुछ बेड नहीं मिला। सर बेड मिला है? नाम आपका? मेरा नाम विशाल मीणा है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण भी तीन घंटे पहले, चार घंटे पहले बरसात हुई, उसमें भी देखो अभी इतना पानी भरा हुआ है इस बड़े हॉस्पिटल में, तो सोचो और हॉस्पिटलों की क्या हालत हुई होगी। हमारे मरीज कितने परेशान हो रहे हैं, इनको दूसरी जगह भी अभी शिफ्ट नहीं किया गया है, अब कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, देख लो इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी सर, अब क्या वगैरह उसका जिम्मेदार तो प्रदेश सरकार के। आपने यहाँ पर जो अधीक्षक लोगों से बात की क्या? सर बात की, बार बार आते हैं, देख के चले जाते हैं, क्या होगा सर, पानी निकल ही नहीं रहा है, चार घंटे बरसात हुई होगी, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ अभी तक भी, ना कोई पेशेंटों को दोबारा दूसरा हॉस्पिटल में या दूसरी जगह शिफ्ट। आपका नाम? विजेंद्र गुजर नाम है सर मेरा। हम परेशान हो रहे हैं, चला फेरा नहीं जा रहा, परेशान हो रहे हैं बहुत। आप कहाँ से आए? हम चोरों से आए, राजस्थान से। क्या इलाज? इलाज ये पैरों से चला नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, चला नहीं जाता, तो परेशानी है। दूसरी जगह अभी तक कहीं शिफ्ट नहीं किया, गैलरी में रह जाएगा, यहाँ पटक दिया, वो तो हम दो चार जनों ने लेके आए, कोई संभालता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आए थे, पड़े नहीं, कोई सुनाई नहीं करा, बोले अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी कराते हैं। नाम मुश्ताक है। ये पानी सुबह 8 बजे बारिश चालू हुई थी, इतना था पानी आ गया बेड के पास में, अभी तक कोई सुविधा नहीं है, नहीं किसी को बुलाते हैं, कोई वो कहते हैं सुविधा करेंगे, देखेंगे देखेंगे, कोई यहाँ पे है नहीं, सब आप अपने घर पे चले गए, और क्या है, या फिर कोई मरीज की कोई दूसरी जगह को शिफ्ट किया नहीं अभी तक, वो बोल के जा रहे हैं क्या करेंगे 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 करेंगे, आएगा कोई आएगा, कोई आता नहीं है, नहीं यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, बहुत परेशान हो रहे हैं सब। अभी उधर से अंदर से लाके ये बेड को खींच के इधर 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 से बेड खींच के और अंदर से लाके इनको यहाँ पे दोनों शिफ्ट किया है। हाँ ये पंखे पंखे की सुविधा नहीं है, सब गर्मी हो रही है, इनका सिकाव चल रहा है, शेख चल रहा है। नाम फारूक चूरू। मैंने सर ये तो मौसमी वातावरण जो अभी जब बरसात का मौसम है, पानी तो आएगा ना, चैम्बर्स ब्लॉक हो जाएंगे मान लो तो भर के तो वापस कहीं ना कहीं निकास में तो पानी आएगा ना, लेकिन फिर यहाँ पर बारिश का मौसम आप लोगों को पता है, इसके बावजूद यहाँ पर मरीज तो रिस्क है ना? नहीं नहीं सर देखो, मरीज तो जैसे बेसमेंट में तो देखो कहीं पर भी जाओगे आप, बेसमेंट में जाओ, जैसे मेरे नीचे बेसमेंट में और उसके बारे में कांग्रेस पार्टी गंभीर भी है। सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो लगातार इसमें अध्ययन कर रही है, और इसके अलावा अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र के जो संयोजक बने हैं
एक वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके और विजय बघेल जी को बनाया गया। हालांकि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन विजय बघेल जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी शराबबंदी की बात नहीं की गई है। वो उसका सबूत भी मैं आपको देना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह ने 11 अप्रैल 2017 को जब नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई उस समय छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी का ऐलान किया था। ये दस्तावेज भी मैं अभी आपको सौंपूंगा। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है उसमें 2626 शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए वाहनी गठित किया गया है और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से आम जनों को जागृत करना है और उसको ये बताना है कि शराब के नुकसान क्या है, नशाबंदी और जितने भी प्रकार के व्यसन हैं उससे किस प्रकार की मुक्ति मिलना चाहिए, किस प्रकार से मुक्त किया जाएगा। तो 2626 वाहनी पूरे राज्य में गठित हुई है और 2226 भारत माता माला वाहनी का गठन किया गया है और इन्हीं के माध्यम से शराबबंदी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दो बातें हुई, पहले तो ये कि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक प्रतिनिधि की मांग की गई थी कि भाई नाम भेजो और हमारे साथ इस अभियान में शामिल होकर जो मीटिंग होगी उसमें तय करना है। उन्होंने आज तक नाम नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया। दूसरा ये कि